पूछ लेती हूँ संबित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिताया या आरएसएस ने जिताया? जी देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे वैचारिक संगठन हैं तो सब हमारे ही हिस्से हैं, तो सब हमारे परिवार के ही हिस्से। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या फर्क है, क्या पार्थक्यता है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी इज द फैमिली, पार्टी ही परिवार है, वहीं कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है, द फैमिली इज द पार्टी। जो लोग 10 जनपद में रहते हैं वो पार्टी है। तो ये फर्क हमारे पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी और हमारे वैचारिक संगठन, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा, ये कोई अलग अलग तो नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित और एक दूसरे से बने हुए संगठन है। दूसरी बड़ी बात है, देखिए मैं अभी ध्यानपूर्वक सभी अपने बड़ों को सुन रहा था, मैं एक बात मुझे महसूस हुआ और मैं बिल्कुल कैंडिडली, बिल्कुल सीधे सीधे आपसे बांटना चाहता हूं। मुझे तकलीफ होती है कई बार, आज भी 2 राज्यों में हमें जीत हुई है, अच्छी बात है, सभी को डिस्कशन करना चाहिए। तकलीफ इस बात की होती है, आज भी डिस्कशन ये हो रहा है कि भविष्य में भाजपा को हराने की रणनीति क्या रहेगी, सारे विपक्ष एक हो जाएंगे और इस प्रकार की रणनीति में काम करेंगे तब जाके भाजपा हार पाएगी, मोदी को हम रोक पाएंगे। देखिए विकास के रथ को रोकने की ये जो तत्परता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थित कुछ लोगों का है, मुझे लगता है ये उचित राजनीति नहीं है। उचित राजनीति वही है जो जनता के मूल्यों को समझते हुए विकास के साथ खड़ी नजर आए, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज सूरत की जनता ने दिया है। 12 में से 12 सीट सूरत, जहां पर GST को गब्बर टैक्स बताया गया, गब्बर सिंह टैक्स, आज मैं कह सकता हूं विकास के ठाकुर ने गब्बर सिंह की हत्या कर दी है। आज गब्बर सिंह रामपुर से चला गया है, ठाकुर अर्थात विकास की जीत हुई है, डेवलपमेंट का जीत हुआ है, नेगेटिव को हरा के पॉजिटिव ने जीत हासिल की है, रिफॉर्म ने एंटी रिफॉर्म को हराया है, और ये महत्वपूर्ण है। शोले तो ये कितने दिन से बना रहे थे, मगर आज गब्बर का अंत हुआ, फाइनली दी एंड हुआ शोले का।